मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों का माहौल जानने के लिए चार राज्यों के विधायकों का ट्रेनिंग सेशन शनिवार को भोपाल में रखा गया है। ट्रेनिंग के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से बीजेपी विधायक भोपाल बुलाए गए हैं। भोपाल में इन विधायकों को दिन भर ट्रेनिंग दी गई और इसके बाद हर विधायक को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जहां जाकर यह विधायक स्थानीय नेताओं के साथ साथ इलाके की आम जनता से भी चर्चा करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। इन विधायकों को 7 दिन तक उनके प्रभार वाली विधानसभा सीट पर रहना होगा, जिसकी रिपोर्ट बनाकर विधायक बीजेपी आलाकमान को सौंपेंगे। यह विधायक संबंधित विधानसभा सीट के स्थानीय मुद्दों का फीडबैक भी आलाकमान को देंगे, ताकि चुनाव में उन मुद्दों को प्रमुखता दी जा सके। विधायकों के ट्रेनिंग सत्र को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संबोधित किया। देखिए, ये संगठन और चुनाव की एक सतत प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही हर पार्टी इस तरीके की कार्यक्रम करती है। दूसरे स्टेट के वर्कर्स को भेजते हैं, गुजरात में चुनाव वो हम भी गए थे, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई तूल देने वाली बात है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और हर पार्टी करती है। पार्टी संगठन चुनावी तैयारियों की दृष्टि से जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पार्टी कर रही है, तो चुनावी तैयारियों की दृष्टि से वो भी एक कल बैठे कि वो आयात करने वाला सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जब संगठनात्मक काम होता है, चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से कोई निर्णय होता है, तो हम लोग भी जब अन्य राज्यों के चुनाव होते तो वहाँ पर हम लोगों को भी पार्टी भेजती है। इसी तरह से अन्य जो हमारे माननीय विधायक गण है वो आएंगे और आकर कार्यकर्ताओं से मिलना, जो पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं उन सब की जानकारी देना, वो ये सब वो करेंगे। पर एक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करेंगे? नहीं, सर्वे रिपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ पार्टी का प्रचार प्रसार यही करेंगे। अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में यह विधायक अगले एक हफ्ते तक रहेंगे और माना जा रहा है कि इनकी फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम तय होंगे और चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी न्यूज़, भोपाल।